आर एन जी एक्स है, आर पे नेगेटिव चार्ज है, एम जी पॉजिटिव चार्ज और एक्स। तो देखो इसकी बेसिकली अपन कितनी रिएक्शन पढ़ेंगे उसका फ्लो चार्ट बना रहे हैं कि किसी भी एच ए के साथ, एच ए का मतलब है एसिड के साथ कौन सी रिएक्शन दे देगा, ये एसिड बेस रिएक्शन। तो सबसे पहली जो रिएक्शन होगी वो होगी एसिड बेस रिएक्शन, आर नेगेटिव चार्ज एसिडिक एच एटम खाकर क्या बना देगा, आर एच। तो एक तो अपने पास वर्टिकल आ गया इसका एल्केन बनने का एसिड बेस रिएक्शन के साथ। फिर दूसरा वर्टिकल क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ एच या आर और आर पोर्शन जोड़ दू एन ए आर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल के रूप में इस पर एडिशन रिएक्शन करेगा, एन ए आर पढ़ेंगे। फिर एक रिएक्शन पढ़ेंगे आर नेगेटिव की किसके साथ, आर सी डबल बॉन्ड ओ और लीविंग ग्रुप, यहां पर आर नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा और कौन सी रिएक्शन कराएगा, एस एन ए ई रिएक्शन। ठीक है, तो एक वर्टिकल ये हो गया प्रोडक्ट, एक वर्टिकल ये हो गया एन ए आर का, एक वर्टिकल हो गया एसिड बेस रिएक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्टिकल है, और एक वर्टिकल अपने पास आर एम जी एक्स का किस सर बता देंगे अपन कि आर एम जी एक्स रिएक्शन कर देगा एस एन टू, कि अपने पास आर है और लीविंग ग्रुप है तो आर नेगेटिव चार्ज ऐसे न्यूक्लियोफाइल। तो रिएक्टिविटी जो ग्रिग्नार्ड की होगी वो दो तरीके से होगी, ग्रिग्नार्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड ग्रिग्नार्ड एज अ बेस। और फिर आर एम जी एक्स अगर अपन ने सोचो थ्री सी एच थ्री सी सी एच थ्री और सी एच थ्री और बी आर ले लिया तो फिर आर नेगेटिव चार्ज वापस क्या करेगा एज अ बेस, यहाँ की हाइड्रोजन एटम खाएगा और एलिमिनेशन रिएक्शन करा देगा E2 वाला वर्टिकल। तो ये E2 वाला वर्टिकल हो गया, ये SnAe वाला वर्टिकल हो गया, ये Sn2 वाला वर्टिकल हो गया, ये एसिड बेस रिएक्शन वाला और ये NaR वाला। तो इतने तरीके के रिएक्शन अपन यहाँ पर पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे ट्रांसमेटाइलेशन। तो ये रिएक्टिविटी का अपने पास पूरा लेखा जोखा है। अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एसिड बेस रिएक्शन से। पहले इतना लिख लो जल्दी से, अब मुझे तुम सबसे पहले एसिडिक एच एटम निकाल के बताओ एसिडिक एच एटम कहाँ पे होगी, क्योंकि पहली जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एसिड बेस रिएक्शन ऑफ आर एम जी एक्स। एसिड बेस रिएक्शन ऑफ आर एम जी एक्स। अब यहां पर देखो आर एम जी एक्स मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन एटम जैसे HOH हो, HOR हो, सॉरी इंटरप्शन ड्यू टू मोबाइल फोन रिंगिंग। ठीक है, घर से फोन आया था, बोला खाना वाना खाने आ जाओ यार, मैंने कहा ठीक है आ रहे आ रहे। चलो तो वापस से स्टार्ट करते हैं, एसिड बेस रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन के अंदर एसिडिक एच एटम चाहिए अपने को और जो अपना बेस है वो बहुत स्ट्रांग है। तो जितनी भी हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन एटम से जुड़ी हुई होंगी तो ऑक्सीजन एटम से H2O में हो सकता है, एल्कोहल में हो सकता है, एल्कोहल के बाद जैसे फिनोल बोल सकते हैं उससे ज्यादा एसिडिक, फिनोल के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है एच सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एटम और आर, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद और एसिडिक सल्फोनिक एसिड हो सकता है, फिर एच ओ सी एल डबल बॉन्ड ओ एच सी एल ओ फोर हो सकता है। इन सबके साथ एसिड बेस रिएक्शन पर R बना देगा H और ये जो OH वाला पार्ट है इसको जनरल टर्म में मैं लिख रहा हूं A। तो A पोर्शन Mg के साथ क्लब होके आयनिक बॉन्ड बनाते हुए MgAX के रूप में बाहर निकल जाएगा और एल्कीन गैस इवॉल्व आउट होगी। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स हो गया, आ रही बात समझ में। और एसिड कौन कौन से हो सकते हैं यहां पर, HNO3, HNO2 और कौन सा हो सकता है, HSO4 के H2SO4, फिर H2
SO3। स्ट्रॉन्गर एसिड्स की बात करें, ऑक्सीजन एटम से जहां हाइड्रोजन एटम जुड़ी हुई है, तो इन सबसे अपने पास एसिड बेस रिएक्शन आनी है। और क्या क्या कंपाउंड हो सकते हैं जिनसे एसिड बेस रिएक्शन आए, यहां ध्यान दो सभी। आर नेगेटिव चार्ज, एमजी पॉजिटिव और एक्स। अब हाइड्रोजन एटम कौन सी ले लें, NH2 अमीन वाली, 1 डिग्री अमीन, आर एन एच आर वाला पोर्शन, 1 डिग्री अमीन के बाद एच एन आर टू, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन पे कोई एसिडिक एच एटम होगी नहीं, अमाइड एच एन एच सी डबल बॉन्डो और आर वाला पोर्शन। ये एसिड बेस भी देता है और इवन एन ए आर रिएक्शन भी देता है अमाइड के साथ। फिर एच सी ट्रिपल बॉन्ड एन आ गया, फिर एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर टर्मिनल एल्काइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, अपने को समझ में ही नहीं आता है। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, sp हाइब्रिडाइज्ड है। फिर इस तरीके से बना रहा हूँ इसको ताकि समझ में आए कि जैसे ही यहाँ वाली हाइड्रोजन एटम जाएगी, एक्टिव मिथाइलिन टाइप ग्रुप है, एरोमेटिक एनायन आ जाएगा, तो इनसे भी अपने पास क्या मिलने वाला है, RH। इन एसिडिक एच एटम को निकाल कर आर नेगेटिव चार्ज क्या बना देगा, एल्केन बना देगा। और नेगेटिव पोर्शन किसके साथ चला जाएगा, जैसे यहाँ से नेगेटिव पोर्शन क्या आना है, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज, एमजी पॉजिटिव और एक्स। आ रही है बात समझ में, तो इनके साथ सबके साथ रिएक्शन पे भी अपने पास क्या आएगा, जो कॉन्जुगेट बेस है वो एमजी के साथ, जैसे NH2 किसके साथ चला जाएगा, एमजी के साथ, एमजी NH2 और एक्स। आ रही बात समझ में। फिर एक्टिव मिथाइलिन पर चर्चा कर रहा हूँ, तो एक्टिव मिथाइलिन पर और चर्चा करता हूँ मैं यहाँ पर, कि जैसे दो कार्बोनिल ग्रुप लगा दिए और दो कार्बोनिल ग्रुप के बीच में CH2 लगा दिया, तो NAR मत करा के आना, यहीं पे लिख लेना कि इन पे NAR मत करा कर आना, रिएक्शन कौन सी होगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी, जहाँ एसिड, जहाँ पर भी एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप आया है, ठीक है। आ रही बात समझ में, तो इन सबसे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। और कौन सा, अल्फा हाइड्रोजन एटम नाइट्रो ग्रुप की, नाइट्रो ग्रुप एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो अल्फा हाइड्रोजन एटम भी चली जाएगी, ये एच बाहर निकाल देगा और अपने को क्या दे देगा, कॉन्जुगेट बेस, तो एसिड बेस रिएक्शन है। फिर यहीं पे और दूसरी रिएक्शन लिख देता हूं, जैसे इनके साथ साथ और क्या जा सकता है, जैसे H2S है, फिर SHR है, थायो एल्कोहल, फिर थायोफिनोल, सल्फर एटम से जुड़ी हुई हाइड्रोजन, तो ये सारी हाइड्रोजन एसिडिक जो है अपने को क्या दे देंगी, कंपाउंड। अब जैसे यहाँ पर अपने पास ये वाला आ गया सल्फर एटम, और यहाँ पर भी एक सल्फर एटम है, तो ये भी एक तरीके का एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर से हाइड्रोजन एटम जैसे ही बाहर निकालेंगे अपन, जैसे ही हाइड्रोजन प्रोटोन के रूप में बाहर निकालेंगे, जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो सल्फर एटम के साथ क्या होगा, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस में आ जाएगा। तो ये हाइड्रोजन एटम भी RMGX के साथ क्या दे देगा, एल्केन दे देगा। तो ये सारे कंपाउंड की जो अपन लाइनिंग बना रहे हैं, ये कंपाउंड सारे के सारे RMGX के साथ मिलकर कौन सी रिएक्शन देने हैं, एल्केन एसिड बेस रिएक्शन यहां पर आनी है। तो एक बार पूरा लिखो इन्हें, और क्या क्या होंगे एसिडिक कंपाउंड जो कि RMGX है, जैसे RMGCl ले लिया अपन ने, Mg पॉजिटिव पार्ट, R नेगेटिव पार्ट, तो जितने भी हेलो एसिड हैं, HF, HCl, HBr, HI, सभी हेलो एसिड के साथ क्या मिलेगा अपने पास, RH प्लस Mg, F और Cl,
MgCl2 यहाँ पर MgBr और Cl और यहाँ पर MgI और Cl, बाकी प्रोडक्ट अपने पास यहाँ पर कॉमन है। ठीक है, तो ये एसिड बेस रिएक्शन वाले कंपाउंड हो गए। और सोचो एसिड बेस रिएक्शन कहाँ पर हो सकता है। कुछ कुछ कंपाउंड्स जो अपन ने नहीं लिखा है आर एम जी एक्स के अंदर, एम जी पॉजिटिव और आर नेगेटिव, तो एनिलीन हो जाएगा H2N और यहाँ पर बेंजीन रिंग लगा दें तो ये भी अपने पास एसिडिक एच एटम है। फिर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप साइक्लिक यूनिट में जोड़कर दिखा रहा हूँ यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप को, और यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप हो बेटा तो ये वाली हाइड्रोजन एटम निकाल देगा RMGX। प्रोडक्ट अपने पास कैसे आएगा, RH प्लस Mg पॉजिटिव चार्ज हेलोजन एटम, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और दो तरफ विड्रॉइंग वाला पोर्शन जो कि स्टेबलाइज करे इसको। यहाँ से R नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन की हाइड्रोजन खाएगा, RH प्लस NH नेगेटिव चार्ज और Mg पॉजिटिव और X और एक तरफ AR, AR मतलब फिनाइल रिंग। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और सोचो एसिडिक एच एटम वाला कंपाउंड हो गए। तो काफ़ी सारे कंपाउंड अपन ने यहाँ पर लिख लिए, तो जहाँ पर भी एसिडिक एच एटम दिखेगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिड बेस रिएक्शन करके क्या बना देगा, एल्केन बनाएगा। और ये क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में काम में आता है जिसको बोला जाता है ज़ेरेविंटॉफ क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ एसिडिक एच एटम इन कंपाउंड, ज़ेरेविंटॉफ मेथड इसको बोला जाता है। अब ज़ेरेविंटॉफ मेथड क्या है, जैसे अपन ने क्या करा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिया, तोल कर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिया और इसकी रिएक्शन जैसे अपन ने यहाँ पर NH2 ग्रुप लगा दें, यहाँ पर SH लगा दें, यहाँ पर OH लगा दें, OH, SH और NH2 रिएक्शन, तो कितने इक्विवेलेंट कंज्यूम होंगे यहाँ पर मोल। इसका अगर अपन ने एक मोल लिया है तो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड के कितने इक्विवेलेंट खा ले गए, तीन मोल खा लेगा। तीन बार एसिडिक एच एटम है, एक OH वाली, एक SH वाली और NH2 वाली, तो यहाँ से अपने पास कितने मोल मीथेन मिलेगी। और वो मीथेन को अपन, जो गैस निकल रही होगी उस मीथेन को अपन क्या करेंगे, वेट कर लेंगे उस मीथेन का, और उस मीथेन के वेट करने के अकॉर्डिंग मालूम पड़ जाएगा कि कंपाउंड में कितनी एसिडिक एच एटम अपने पास मौजूद है। और इसको क्या बोलते हैं, ज़ेरेविंटॉफ मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ एसिडिक एच एटम इन अ कंपाउंड। कितनी एसिडिक एच एटम है वो किससे मालूम पड़ेगा, RMGX की रिएक्शन करा दो, जितनी एसिडिक एच एटम होंगी उतनी मोल अपने को एल्केन गैस मिलेगी और उसको वेट करके अपन मालूम कर सकते हैं एसिडिक एच एटम का नंबर। इसे बोला जाता है ज़ेरेविंटॉफ मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ एसिडिक एच एटम इन अ कंपाउंड। ठीक है, फिर यहां पर एक रिएक्शन ही लिख देता हूं ताकि ये चीज दिमाग में रहे। जैसे अपन ने लिया है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन यहां पर इस कंपाउंड से आ गई, तो ये चीज ध्यान रखना NAR वगैरह मत कराना, डायरेक्ट कार्बन एटम का नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन एटम को खा लेगा और क्या मिलेगा अपने को, बेंजीन। यहां पर हाइड्रोजन एटम आ जाएगी तो बेंजीन प्लस साइड प्रोडक्ट अपने पास एक न्यूक्लियोफाइल या एनायन रह जाएगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर Mg पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या जुड़ा हुआ होगा, Br। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एसिड बेस, इसलिए यहाँ पर लिखा दी, यहाँ पर लिख लेना कौन सी रिएक्शन कराई है अपन ने, एसिड बेस रिएक्शन, और जो कंपाउंड है वो अपने लिए बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड है। लिखें यहाँ तक,
सो दिस वॉज ऑल अबाउट एसिड बेस रिएक्शन. सेकेंड रिएक्शन पर बात करेंगे अपन, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. तो आपको बताया था कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है दो तरीके से काम करेगा, एक तो क्या बेस और एक क्या न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं, जो नेगेटिव चार्ज या जो लोन पेयर देकर, इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कार्बन एटम के साथ या अदर देन हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म कर ले, वो न्यूक्लियोफाइल है. तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का सबसे पहला एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि अपन ने लिया हुआ है RMgBr, Mg पॉजिटिव और R नेगेटिव वाला पोर्शन, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी, फॉर्मल्डिहाइड के साथ. तो रिएक्शन क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. पहले स्टेप में जो R नेगेटिव है वो इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा डेल पॉजिटिव साइड पर, इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे, क्योंकि ये बॉन्ड किसके फेयर में टूटेगा, ऑक्सीजन एटम के फेयर में टूटेगा. तो जैसे ही ये अटैक करेगा क्या मिलेगा अपने पास, एच सी ऑक्सीजन एटम पे नेगेटिव चार्ज, एम जी पॉजिटिव और बी आर, और यहां पर एच और यहां पर आर वाला पोर्शन. अब यहां पर क्या लिया जाएगा, एच ओ एच लिया जाता है, वैसे लिया तो क्या जाता है, एन एच फोर सी एल और एच ओ एच बफर के रूप में. तो एच ओ एच से अपन एक एसिडिक एच एटम पहुंचा देंगे तो क्या मिल जाएगा, आर सी एच टू ओ एच, जो कि वन डिग्री अल्कोहल है. मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वन डिग्री अल्कोहल आ गई कहां से, फॉर्मल्डिहाइड से. फॉर्मल्डिहाइड लिया अपन ने और क्या बना दिया, वन डिग्री अल्कोहल. दूसरा लिया अपन ने आर एम जी बी आर, एम जी पॉजिटिव आर नेगेटिव, और एल्डिहाइड ले लिया फॉर्मल्डिहाइड की जगह कोई दूसरा एल्डिहाइड, जहां पर आर इज नॉट हाइड्रोजन एटम. ये कोई एल्डिहाइड अपन ने यहां पर यूज किया है, ये डेल पॉजिटिव कार्बन एटम, ये डेल ऑक्सीजन नेगेटिव, आर नेगेटिव चार्ज यहां पर अटैक करेगा ये बॉन्ड ऑक्सीजन एटम के फेयर में. पहला स्टेप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल का अटैक. पहला स्टेप क्या होगा अपने लिए, आरडीएस स्टेप होगा. तो यहां से अपने पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आर सी आर एच ऑक्सीजन एटम पे नेगेटिव चार्ज, फिर सेम एम जी पॉजिटिव और बी आर को हटाने के लिए क्या लिया जाएगा, एच ओ एच, ताकि एच यहां लगा दें और जो ओ एच वाला पोर्शन है वो किसके साथ, एम जी के साथ बाहर. तो जो साइड प्रोडक्ट है वो अपने को क्या देखने को मिलेगा, एम जी ओ एच और बी आर. वैसे ही यहां पर अपने पास क्या मिल जाएगा, आर सी एच ओ एच आर प्लस एम जी ओ एच और बी आर, और यहां पर 2 डिग्री अल्कोहल मिलेंगे. खास बात यह, अब देखो यहीं पर एक बात और बता रहा हूं कि अगर अपने पास ये R और ये R अलग अलग है और यहां पर अगर किरैलिटी आ गई, जैसे R1 और R2 अलग अलग है और यहां किरैलिटी आ रही है, तो ये चीज ध्यान रखना, यहां पर मिल जाएगा अपने को रेसिमिक मिक्सचर. रेसिमिक मिक्सचर क्यों मिल जाएगा, अगर R1 इज नॉट इक्वल टू R2 तब किरैलिटी आएगी. तब क्यों, क्योंकि जो भी कार्बोनिल पार्ट होता है ना बेटा, वो कार्बोनिल ग्रुप कैसा होता है, प्लेनर होता है, sp2 कार्बन एटम. तो जो R नेगेटिव है वो अपसाइड भी अटैक कर सकता है और डाउनसाइड अटैक भी कर सकता है. तो न्यूक्लियोफाइल के एडिशन के बाद कार्बोनिल पे अगर किरैलिटी आ रही है, R1 और R2 अगर अलग अलग हैं और किरैलिटी आ रही है, तो R भी गिनेंगे और S भी गिनेंगे. अब किससे बच रहा है अपना रिएक्शन, कीटोन से. तो अगला रिएक्शन किसके साथ कराऊंगा, आर एम जी बी आर का, आर सी डबल बॉन्ड ओ और आर के साथ. इस बार लिया है अपन ने कीटोन, यहां लिया है एल्डिहाइड, यहां लिया है फॉर्मल्डिहाइड. अब कीटोन की रिएक्टिविटी कम होगी क्योंकि आर पॉजिटिव चार्ज ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, प्लस आई तो लगा ही रहा है, प्लस आई के साथ साथ और काम कैसे खराब कर रहा है, स्टेरिक क्राउडिंग करके. यहां पर दो तरफ से R प्लस आई लगा के इस डेल पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज कर देगा. तो R नेगेटिव चार्ज यहां पर सबसे मुश्किल से आएगा, ये प्लस आई, ये प्लस आई, और साथ के साथ कौन सी चीज चल रही है, स्टेरिक क्राउडिंग दो तरफ से एल्काइल ग्रुप की. तो ऑब्वियसली बात है, एल्डिहाइड की और कीटोन की अगर अपन पूछे तो कीटोन की रेट
टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है, कम होती है। दो कारण बनते हैं, एक तो आर का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर और एक आर की स्टेरिक क्राउडिंग। अब आर इस पर अटैक कर रहा है, वापस एन ए आर और ये वाली बातें लिखेंगे, आर सी ऑक्सीजन एटम, आर ग्रुप, एक आर ग्रुप ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, एम जी पॉजिटिव और बी आर, सेम रिएजेंट यहाँ पर लेंगे और थ्री डिग्री अल्कोहल मिलेगा, आर सी ओ एच, आर पोर्शन और आर किरैलिटी आएगी तो आर भी गिनूंगा और एस भी गिनूंगा, थ्री डिग्री अल्कोहल, टू डिग्री अल्कोहल और वन डिग्री अल्कोहल। बट मीथेनॉल इससे नहीं बना सकते क्योंकि कार्बन कार्बन का बॉन्ड बन रहा है और कार्बन कार्बन का बॉन्ड बन रहा है तो फिर अपन मीथेनॉल नहीं बना सकते। स्मॉलेस्ट एल्कोहल कौन सा पॉसिबल होगा, इथेनॉल, जब यहाँ पर आर की जगह मिथाइल ग्रुप रख दो। पहले इतना लिख लें फिर रेट पर बात करते हैं। तो इस तरीके की रिएक्शन को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको ये बात बताई थी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है इसलिए क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आरडीएस में। अगले स्टेप में अपन इलेक्ट्रोफाइल जोड़ रहे हैं, अगर पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक होता तो क्या बोलते, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखो यहां पर लिख रहा हूं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एनएआर या आरएमजीएक्स भी बोल सकते हैं अपन डायरेक्ट। तो सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा, तो जो रिएक्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एक तो स्टेरिक क्राउडिंग के, प्लस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप। आ रही बात समझ में। अब जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, एच सी डबल बॉन्ड ओ और एच, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। फिर अपन ने एक एल्डिहाइड लिया आर ग्रुप और फिर आर की जगह और भयानक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, बेंजीन रिंग जो कि बेंजल्डिहाइड के रूप में आ जाए, तो रिएक्टिविटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। क्यों धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, क्योंकि आर ग्रुप का तो कौन सा आ रहा है, एक तो स्टेरिक क्राउडिंग प्लस कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई, जबकि फिनाइल रिंग जो अपना है, फिनाइल रिंग का कौन सा इफेक्ट आ जाएगा, प्लस एम इफेक्ट, यहां से प्लस एम इफेक्ट लगाने लगेगा तो डेल पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज कर देगा, इस डेल पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा ज्यादा होगा और ये डेल पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा किसकी होगी, ये चीज यहीं पर बहुत बड़े बड़े शब्दों में लिख रहा हूं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा फॉर्मल्डिहाइड, फिर कोई भी एलिफेटिक एल्डिहाइड और फिर नंबर किसका आएगा, बेंजल्डिहाइड का। तो एल्डिहाइड के अंदर ऑर्डर इस तरीके से चलेगा, बट ये चीज ध्यान रखना बेंजल्डिहाइड कोई भी हो उनकी रेट कीटोन से ज्यादा आएगी। फिर अपन लिखेंगे सिंपल कीटोन आर सी डबल बॉन्ड आर, दोनों तरफ से एल्काइल ग्रुप प्लस आई और प्लस आर, आर सी डबल बॉन्ड ओ और इधर अपन ने जोड़ दिया बेंजीन रिंग, फिनाइल कीटोन, और फिनाइल कीटोन की रेट किससे ज्यादा हो जाएगी, डाइफिनाइल कीटोन से या बेंजोफिनोन जिसको बोला जाता है, दोनों तरफ से प्लस एम और स्टेरिक क्राउडिंग। ये तो हो गया हमारे लिए सिंपल कीटोन, ये हो गया हमारे लिए फिनाइल कीटोन और ये डाइफिनाइल कीटोन, नाम याद रखना बेंजोफिनोन, तो लीस्ट रिएक्टिव, क्योंकि दो तरफ से बेंजीन रिंग से क्या आएगा, प्लस एम इफेक्ट जो कि इसके डेल पॉजिटिव चार्ज को बहुत कम कर देगा, तो न्यूक्लियोफाइल की आने की टेंडेंसी इस पर कम हो जाएगी। यहां पर एक तरफ से प्लस एम और इधर से प्लस आई, यहां पर दो तरफ से प्लस आई, बट ये चीज ध्यान रखना कोई भी कीटोन किसी भी एल्डिहाइड वाले से क्या होगा, यहां पर कम रिएक्टिव होगा, ठीक है, इन सिंपल केसेस के अंदर, कुछ एक्सेप्शन हो सकते पर उससे अपना लेना देना नहीं है, जनरल जो ऑर्डर है वो इस तरीके से आएगा, एक बार पूरा कॉपी करो।
तो देखो एडिशन ऑफ RMGX टू कार्बोनिल कंपाउंड इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल. जैसे लिया अपन ने CH3Br, CH3Br की रिएक्शन लिखा दी Mg और ET2O के साथ, क्या मिलेगा CH3MgBr, और CH3MgBr की रिएक्शन किसके साथ करा दी फॉर्मल्डिहाइड के साथ. तो CH3MgBr का मिथाइल एनायन इस पर कौन सी रिएक्शन करा देगा NaR, क्या मिल जाएगा CH3CH2, ऑक्सीजन एटम नेगेटिव चार्ज Mg पॉजिटिव और Br. फिर रिएक्शन किसके साथ करा दी NH4Cl और HOH के साथ, क्या मिल जाएगा CH3CH2OH प्लस MgOH और Br. इथेनॉल बना दिया फॉर्मल्डिहाइड पे एडिशन करा के. फिर एराइल हैलाइड लिया तो Mg के साथ यहां पर क्या लिखूंगा THF लिखूंगा और स्लाइड हीटिंग लिखूंगा. THF क्यों, वही यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो RMGX बनाने के लिए थोड़ी ताकत देनी पड़ेगी. यहां से क्या मिला MgBr, इसकी रिएक्शन भी मैं किससे करा रहा हूं फॉर्मल्डिहाइड के साथ, किससे करा रहा हूं फॉर्मल्डिहाइड के साथ. ये नेगेटिव पोर्शन कार्बन Mg पॉजिटिव पार्ट, तो कार्बन एटम से इस पर अटैक रिएक्शन NaR, क्या मिलेगा अपने पास बेंजीन रिंग CH2, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज Mg पॉजिटिव और Br. फिर NH4OH और HOH, यहां से अपने पास क्या आ जाएगा बेंजाइल एल्कोहल CH2OH प्लस MgOH और Br साथ में साइड प्रोडक्ट. अब यहां पर अपन ले रहे हैं वापस फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना रहे हैं, ठीक है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड Mg पॉजिटिव और नेगेटिव. इस बार रिएक्शन करा रहे हैं CH3CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एटम से, तो कार्बन एटम इस पर अटैक करेगा, रिएक्शन NaR होगी, ये बॉन्ड किसके फेयर में टूटेगा ऑक्सीजन एटम के फेयर में. तो अपने को क्या मिल रहा है CH3CH, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज Mg पॉजिटिव और Br, और साथ में इसके यहाँ पर फिनाइल रिंग और कैरेलिटी आ रही है. तो ये चीज़ यहीं पर फिक्स हो गई कि R और S दोनों मिलेगा, यहीं पर फिक्स हो गया कि अपने पास क्या आ रहा है रेसेमिक मिक्सचर, इस एनायन का भी रेसेमिक मिक्सचर. और इस एनायन के रेसेमिक मिक्सचर को NH4Cl और HOH से ट्रीट करेंगे तो अपने पास मिल जाएगा CH3CHOH और बेंजीन रिंग, वन फिनाइल इथेनॉल, 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है. एक रिएक्शन की जगह और बच रही है, तो जैसे यहीं पर अपन ने क्या लिया ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन से फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन इस बार किससे करा दी 2-ब्यूटेनोन से, कौन सी रिएक्शन होगी NaR, ये नेगेटिव वाला कार्बन एटम इस पर ऐड करेगा. तो एक तरफ मिथाइल और एक तरफ इथाइल ग्रुप है, तो देखिएगा क्या मिलेगा Me कार्बन ऑक्सीजन एटम पे नेगेटिव चार्ज Mg पॉजिटिव और Br, यहाँ पर आ गया ET और यहाँ पर आ गया फिनाइल रिंग. कैरेलिटी है तो यहीं पर फिक्स हो गया कि R और S दोनों बनेगा, ये चीज़ यहाँ पर भी कॉपी कर लेना. फिर नेक्स्ट पार्ट ये जैसे ही लेंगे अपने पास एल्कोहल आएगा 3 डिग्री MeOH ET और pH. चलो इसको इस तरीके से बना के बता देता हूँ, कैरेलिटी यहाँ पर तो लिख रहा हूँ रेसेमिक मिक्सचर, और यहाँ पर बना के बता रहा हूँ कि ET MeOH pH प्लस एक इसका इनेंशियोमर ET Me वर्टिकल लाइन पर सेम रखे ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल पर बदल दिए, तो ये एक दूसरे के इनेंशियोमर्स आ रहे हैं या रेसेमिक मिक्सचर. तो इस तरीके से यहाँ पर ये वाला बात लिखी जाएगी, एक बार यहाँ से लेके पूरा कॉपी करो. ठीक है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस तरीके से वेरी करेगी, जैसे रेट टूवर्ड्स लिखा हुआ आ गया RMGX, तो कुछ ऑर्डर अपन यू ही रिविजन के नाम पर ले देते हैं, जैसे फॉर्मल्डिहाइड है
और एसिटाइल्डिहाइड है, तो रेट किसकी ज़्यादा होगी? फॉर्मल्डिहाइड की। फिर यहाँ पर अपन ने लिख दिया बेंजल्डिहाइड और यहाँ पर लिख दिया CH3CH2 सी डबल बॉन्ड ओ और एच, तो रेट किसकी ज़्यादा होगी? एल्डिहाइड की, सिंपल एल्डिहाइड की। फिर यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ आ गया CH3C डबल बॉन्ड ओ और एच, और रेट इसकी ज़्यादा हो जाएगी जब अपने पास CH3C डबल बॉन्ड ओ और इधर भी क्या आ जाएगा, एक फिनाइल रिंग। कीटोन में और एल्डिहाइड में रेट किसकी ज़्यादा होगी? एल्डिहाइड वाले की रेट ज़्यादा होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी अपने को देखने को मिलेंगे रेट टूवर्ड्स RMGX के अंदर, ठीक है। अब देखो दूसरे क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन यहाँ पर। जैसे अपने पास लिखा हुआ आ गया कि रिएक्शन किसकी है, अपने पास साइक्लोहेक्सिनोन की रिएक्शन किसके साथ आ गई? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। और फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ जो रिएक्शन है वो किस में आएगी? THF के अंदर। सॉल्वेंट क्या दिया हुआ होगा? THF के अंदर पैदा करेंगे अपन फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को, और फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फिनाइल पोर्शन यहाँ पर कौन सी रिएक्शन करा देगा? NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पाई बॉन्ड तोड़कर क्या करा रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है रिएक्शन क्या होगी अपने लिए? एक्सोथर्मिक ही होगी। और फिर यहाँ से अपने पास मिल जाएगा ऑक्सीजन एटम पे नेगेटिव चार्ज, Mg पॉजिटिव और Br, और यहाँ पर आ गया अपने लिए एक फिनाइल पोर्शन, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करा देंगे? हाइड्रोलिसिस कराते ही अपने पास वन फिनाइल वन हेक्सेनॉल मिल जाएगा। किरैलिटी नहीं आ रही इसलिए R भी नहीं गिनेंगे और S भी नहीं गिनेंगे, क्योंकि किरैल नहीं बन रहा है। सेकंड अपने पास रिएक्शन आ गई CH3C डबल बॉन्ड हो और फिनाइल वाले पोर्शन की, और इसकी रिएक्शन आ गई अपने पास इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, और क्या लिखा हुआ मिलेगा? ड्राई ET2O, इथाइल नेगेटिव चार्ज, Mg पॉजिटिव चार्ज, इथाइल वाला यहाँ पर अटैक करेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इथाइल मिथाइल और फिनाइल ग्रुप आते ही किरैलिटी आ रही है, किरैलिटी आ रही है, तो अपने पास ME ET और pH इस तरीके से लिख के ऑक्सीजन एटम पे नेगेटिव चार्ज, प्लस यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल मिलेगा वो भी अपने को इसी तरीके से मिलेगा, ME ET ऑक्सीजन एटम पे नेगेटिव चार्ज, pH Mg पॉजिटिव और Br, और Mg पॉजिटिव और Br, जो कि हाइड्रोलिसिस करने पर ये चीज़ ध्यान रखना क्या बना देना? रेसेमिक मिक्सचर, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो इस तरीके से अपने पास NAR वाली रिएक्शन अपने को लिखनी है। अब ये काउंटर पार्ट पूछा जा सकता है रिवर्स, इसको बोलते हैं रेट्रोसिंथेसिस, रेट्रोसिंथेसिस में ये है कि अपने पास बनाना है OH, एक पर बनानी है ME और एक पर बनानी है ET और एक पे बनाना है pH, और अपन ये पूछें कि कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा बेस्ट होगा। तो अगर कार्बोनिल कंपाउंड अपने पास 3 डिग्री अल्कोहल है तो कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन ही होना है। अब कीटोन में फिनाइल ग्रुप लगाने से रिएक्टिविटी क्या होनी है? बहुत खराब होनी है। तो अपन जो कीटोन लेंगे ना बेटा, वो ME और ET वाला लेंगे, सी डबल बॉन्ड ओ और ET, और फिनाइल वाले के साथ अपन क्या करेंगे? MgBr को क्लब करेंगे। समझ में आई बात? क्या बात बोल रहा हूं मैं आपको कि फिनाइल वाले पोर्शन से अपन यहां पर अटैक कराएंगे, क्योंकि ME और ET पे लगने पे रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ेगा। तो पर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि कितने तरीके ऐसे होंगे, तो दो दो कॉम्बिनेशन ले लो, फिनाइल मिथाइल, फिनाइल इथाइल, इथाइल मिथाइल, ये तीन कॉम्बिनेशन अपने को यहां पर देखने को मिलेंगे जिससे अपन ये वाला एल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल हो गई बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक बार पूरा कॉपी करा दो। ठीक है, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और एसिड बेस रिएक्शन के बारे में बताया। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया एडिशन एलिमिनेशन, ठीक है। तो एसिड डेरिवेटिव्स के साथ इसकी रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में अपन बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ये पूरा पढ़ें, समझें, लिखें